सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग. स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में. एंड विश यू अ वेरी हैप्पी रिपब्लिक डे. तो आज रिपब्लिक डे के अलावा भी एक और चीज़ है. तो आज पूजा की दोस्त की सगाई है, पवार को आप जानते होंगे, जिनके घर हम इंदिरापुरम जाते थे. तो अभी 12 बजे का टाइम दिया था, 12:30 बजने वाले हैं, तो हम थोड़ा लेट हो गए हैं. पंगा ये है, बाइक से नहीं जा सकते क्योंकि पूजा ने साड़ी पहनी है, पूजा का मेकअप ख़राब हो जाएगा और साड़ी में बैठ भी नहीं पाएगी. तो कैब बुक कर रही है, इस वजह से थोड़ा टाइम लग रहा है. तो अभी कैब बुक होती है, फिर फटाफट निकलते हैं इंदिरापुरम के लिए. चलिए. तो भाई कैब तो मिल गई है, अब देखते हैं कितना टाइम लगता है पहुंचने में. पूजा से बिल्कुल भी नहीं चला जा रहा है. पूजा को बिल्कुल भी आदत नहीं है चलने की, सैंडल पहनने में इसको. मतलब हमारे घर में किसी को भी आदत नहीं है फॉर्मल कुछ भी पहनने की. सब ट्राउज़र व्राउज़र शूज़ या वैसे कंफर्टेबल चीज़ जो होती है उसी में ये सबको, पर ये बिल्कुल भी आदत नहीं है फॉर्मल पहनने की. तो देखो पूजा का ना पैर भी घड़ी है, देख रहे हो. बिल्कुल भी आदत नहीं है इसे कि ऐसे हील्स पहनने की. है मुझे आदत है बट हील्स गंदी है. मेरे पास कुछ था नहीं इतनी जल्दी, बैंडेज देना पड़ेगा. जगह है, लास्ट टाइम जब हम पवार के यहाँ गए थे तो पीछे एक यूटर्न आता है वहाँ पर पूजा ने मतलब अभी सीएनजी में ठोका था. सीएनजी के जो ऑटो चलते हैं ना नोएडा में, उसमें ठोका था. तो उसका जो क्रैश गार्ड का दूसरी साइड का जो गोला था वो भी टूट गया था. तो दोनों साइड के वो टूट गए हैं अब. पर एक चीज़ बहुत अच्छी है, बाइक की किस्मत बहुत अच्छी है, बाइक को कुछ नहीं होता. हर बार पूजा ठोकती है, हमेशा क्रैश गार्ड ही सब कुछ झेल लेता है, बाइक को कुछ नहीं होता और ना हमें कुछ होता है. तो ये बहुत अच्छी बात है. तो जी फाइनली पहुंच चुके हैं हम अपनी जगह पे और पूजा यहाँ पर खेल रही है. ओहो भाई साहब, क्या मस्त लग रहा है बस. भाई पूजा के लिए अभी भाग के बैंडेज लेके आया हूँ मैं. बाजू में ही थी मेडिकल शॉप, इसके जस्ट साइड में ही है. तो मिल गए बैंडेज, तो चलो ठीक है अब. वरना अगर कोई सुनसान जगह होती है, अलग से होते हैं बैंकुट ज़्यादातर, तो वहाँ तो फिर पूजा का चलना मुश्किल हो जाता आज. मैं नंगे पैर चलती, एक दिन मैं नंगे पैर ही आई थी ऐसे मेट्रो में. तो दुल्हन हमारे सामने. पवार जी कैसा लग रहा है आपको? कौन सी वाली है कि तो खास है? हेल्प लोग तो भाई रिंग सेरेमनी सब कुछ हो चुका है और अभी चल रहा है फ़ोटोशूट बाहर, जो बैंक्वेट है उसके बाहर है. और पूजा का तो भाई, पूजा ने तो उतार दी अपनी चप्पल. पूजा घायल हो रही है अभी पूरी, और वहाँ शूट चल रहा है. और वो सामने एडी गुस्सा हो रहा था, सबसे बेचारा बाहर ही यार लगी. एडी बोल रहा है कि सब शूट करा रहे हैं, मेरे साथ कोई शूट नहीं करा रहा, मेरे को कोई पूछ भी नहीं रहा. तैयार रखा है बढ़िया तरीके से, उसने कॉलर वाला लगा रखा है, लोग आ रहे हैं, उसके
फोटो खींच रहे हैं वापस जा रहे हैं। तो अब बारी है खाना खाने की। झाड़ू मारते हुए जा रहा है, पूरा देख, पूरा झाड़ू मारते हुए जा रहा है। तो जी हमारा खाना आ गया है और खाने में है, मैंने जो दिया है वो है छोले, चावल, जलेबी और ये है नान। तो अभी यहाँ पर टेबल को मर्ज कर रहे हैं लोग, सब एक ही साथ बैठेंगे इसलिए टेबल को मर्ज कर रहे हैं। A few minutes later. तो अब चलते हैं घर की ओर। तो आज मौसम, हवा बहुत चल रही है, ठंडा बहुत है और पूजा पता नहीं कैसे चलते हुए जाएगी घोड़ा। स्कूटी मंगानी पड़ेगी लग रहा है देव से, है ना, क्या करे, चप्पल उतार के जा नहीं सकते ना, गंदा हो रहा है भाई। पूजा का देखो पैर इतना ज्यादा कट रहा है कि ऐसे ही जा रही है रजत विहार से, पैदल ऐसे जाएगी है राहुल गांधी के साथ। नंगे पैर, बस राहुल गांधी के कमी थी। ओ पुची 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 पुची, ये एक्साइटेड हो रही है, की चीज कितनी उछल रही है, कहां है पूजा, कितनी उछल रही है, पानी चाहिए, दिया को पानी चाहिए, दिया को पानी पिएगी, दिया पानी पिएगी, पी। तो भाई फाइनली घर पहुंच चुके हैं और दिया तो भाई साहब इसने तो कोहराम मचा दिया, जब से मैं आया तब से परेशान कर रही है, छोड़ दे दिया, छोड़ दे, छोड़ दे। तो पूजा से फाइनल रिव्यू लेंगे अभी हम। तो पूजा कैसा रहा, पूजा का तो मेरे हो तो गया, पैर की ऐसी कैसी हो गई है ये देख सकते हैं, पूरे पैर के इसने बैंडेज बैंडेज लगा दिए, आधे रास्ते तो नंगे पैर, और ज्यादा गाने वाने बजे नहीं, मतलब हमने देखा नहीं ज्यादा गाने वाने, तो इसलिए नहीं बजे, सब थोड़े बिजी थे उस टाइम पे, गाने वाने नहीं बट खाना नहीं, बाकी सब सही था, और लड़कियां भी नहीं थी एक भी, पूजा के अलावा और एक और थी वहाँ पर, दो लड़कियों के अलावा वहाँ पर एक भी लड़की नहीं थी मेरे नज़रिए में। मेरे नज़रिए में। तो इस वीडियो को नज़रों से देखो एक लड़की। तो इस वीडियो को यहीं पर ही एंड करते हैं। अबे देखने के लिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।